अस्सलाम वालेकुम, मैं जुनैद शाह और आज हम विजिल बेसिक 6.0 के एक और नई वीडियो को लेकर आए हैं और इसमें कुछ और नई कॉमन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। पिछली बार हमने पढ़ी थी कॉमन प्रॉपर्टीज बैकग्राउंड कलर एंड इनेबल्ड। बैकग्राउंड कलर डेसिमल थी, इनेबल्ड जो थी हमारी जो बुलियन थी। तो आज एक और पढ़ेंगे, मैं वही ऑब्जेक्ट लेता हूँ बटन और एक और दूसरा ऑब्जेक्ट लूंगा टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी आज कॉमन पढ़ेंगे हम, ये भी बूलियन प्रॉपर्टी है, विजुअल बेसिक में यूज़ की जाती है और भी है यहाँ पर प्रॉपर्टीज। ये बूलियन प्रॉपर्टी है आपकी विजिबल की, कि जो चीज़ आपको विजिबल हो रही है या नहीं हो रही है। तो मैं यहाँ पर कमांड बटन 1 है जो इसका कैप्शन कर देता हूँ शो, और मैं इसकी प्रॉपर्टी जो है अभी मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको प्रोग्राम। जैसे ही एग्जीक्यूट करूँगा तो टेक्स्ट बॉक्स में शो हो रहा है, मैं इस पर लिख सकता हूँ। तो पहले हमने इनेबल में पढ़ा था, लिखना नहीं हो रहा था, हम इनेबल से डिसेबल था, इनेबल कर रहे थे। तो अब मैं इसकी प्रॉपर्टी की बुलियन विजिबल यूज़ कर रहा हूँ, तो विजिबल में क्या होगा, हमारे ट्रू है, मैं इसे फॉल्स कर दूंगा। तो एग्जीक्यूट करते वक्त अब ये टेक्स्ट बॉक्स हमें शो नहीं होगा। इसको मैंने F5 किया, आप देखें टेक्स्ट बॉक्स शो नहीं हो रहा। अब मैं चाहता हूँ जब मैं इस बटन पर क्लिक करूँ तो वो टेक्स्ट बॉक्स मुझे शो हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस टेक्स्ट बॉक्स पे बैक पे जाऊँगा और उस पर मैं कोड करूँगा। हर एक ऑब्जेक्ट का अपना ब्लॉक होता है, तो टेक्स्ट बॉक्स अपने ब्लॉक है, उसके अंदर हम लिखेंगे कमांड के ब्लॉक में टेक्स्ट 1 डॉट विजिबल, क्योंकि हमने विजिबल की प्रॉपर्टी यूज की है। इसकी क्या कर रहे हैं हम, क्योंकि ये फॉल्स से इसे ट्रू कर देंगे। ये आपका जो विजिबल की कॉमन प्रॉपर्टी है जो हर एक ऑब्जेक्ट में होती है। देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया तो वो मुझे शो हो गया। अब मैं यही काम दो मतलब मरतबा कर सकता हूं कि शो हो भी और शो ना भी हो, यानी कि एक से शो हो एक से हाइड हो। तो मैं इसको दूसरा बटन दे देता हूं और इसका हम नाम रखेंगे कंट्रोल सी। इसकी कैप्शन आ गई हाइड। अब हाइट में मैं इसकी जो है प्रॉपर्टी को हाइट कर रहा हूँ, यानी टेक्स्ट बॉक्स जो शो हो रहा है दूसरे बटन से, मैं इसको हाइट कर रहा हूँ। विजिबल इक्वल फॉल्स कर देते हैं। तो आप यानी कि जरूरी नहीं कि आप इस कॉमन प्रॉपर्टी की विंडो को यूज करें, लाजमी नहीं है, आप यहाँ से भी इसको यूज कर सकते हैं। देखिए एक बटन पे क्लिक किया, दूसरे बटन से हमने इस पे शो करते हैं, दूसरे बटन से हाइट कर रहे हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी है विजिबल की, कॉमन प्रॉपर्टी है, ट्रू बूलियन प्रॉपर्टी है, ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज रखती है। और हमने इसको टेक्स्ट बॉक्स पे अप्लाई किया, टेक्स्ट बॉक्स पे अप्लाई किया है। अब आते हैं एक और प्रॉपर्टी की जानेब, जो कि हमारी है लेफ्ट एंड टॉप। याद रखिएगा, लेफ्ट एंड टॉप प्रॉपर्टी होती है, राइट एंड बॉटम प्रॉपर्टी नहीं होती है। ये प्रॉपर्टीज हमारी जो है प्रॉपर्टी टाइप्स में आ जाती है इंटीजर, यानी कि इसमें हम नंबर देते हैं। मैं कंट्रोल किसी भी ऑब्जेक्ट का लेफ्ट देख लें, यहाँ पर 0 है क्योंकि हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है फॉर्म 1, इसका जो है लेफ्ट 0 है। मैं एक टेक्स्ट बॉक्स यही सामने यहाँ पर रख लेता हूँ। अब ये देखिए मैंने बिल्कुल टॉप कॉर्नर लेफ्ट से मिला लिया है, इसका लेफ्ट 0 है क्योंकि ये 0 एक्सिस है, लेफ्ट साइड से बिल्कुल करीब है, मिला हुआ है, थोड़ा भी दूर हो जाएगा लेफ्ट इसकी दूर हो जाएगी, 120 हो गया। ये 120 क्या है, किसी दिन इसको भी देख लेंगे। तो आपकी 120 0 थी। मैं चाहता हूं मैं किसी बटन पे क्लिक करूं तो ये लेफ्ट बढ़ जाए। तो मैं एक बटन लूंगा और इस बटन पे की प्रॉपर्टी जो हम यूज करेंगे, कॉमन प्रॉपर्टी है इस बटन पे लेफ्ट की। तो ये रही लेफ्ट की प्रॉपर्टी, हम लिख रहे हैं यहां पर लेफ्ट, हमारा बटन ही लेफ्ट में खुद चला गया। इसको लेकर आते हैं राइट में, और इस पे मैं अब कॉमन प्रॉपर्टी लेफ्ट यूज कर रहा हूँ। किस पे कर रहे हैं, टेक्स्ट पे। तो टेक्स्ट के लिए हम लिखेंगे टेक्स्ट 1 डॉट, प्रॉपर्टी कौन सी है, लेफ्ट की है, तो मैं लेफ्ट लिखूंगा। अब मैं चाहता हूँ ये कितनी दूर हो जाए, हर बार क्लिक करने से ये 1000 दूर हो जाए। 1000 बहुत कम है। तो देखें सबसे पहले तो मैंने इसको शो कर दिया, शो करने के बाद हमें पता चला कि हमारा टेक्स्ट बॉक्स कहाँ पर है। अब मैं इसको जैसे क्लिक करूंगा, देखें हमारा एक बार क्लिक करने के बाद टेक्स्ट बॉक्स दूर चला गया 1000। 1000 जो है पिक्सल्स हमारा
टेक्स्ट बॉक्स से लेफ्ट से दूर चला गया। अब अगर मैं चाहूं कि ये वापस आ जाए लेफ्ट की जानब, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर प्रॉपर्टी राइट की नहीं होती है, तो हमें इसी को जो है लाइक ये करना होगा। लेफ्ट की प्रॉपर्टी है लेफ्ट माइनस में यूज करते हैं, लेफ्ट माइनस में किस तरीके से यूज करेंगे, यहां पर देखें मैं लिखूंगा टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट इज कॉल्ड। अब पहले हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट 1000 प्लस में है, तो अब 1000 माइनस में कर देंगे, तो मैं माइनस 1000 दे दूंगा और यहां पर हम यूज करेंगे इसको, यहां पर शो करते हैं और आप देख सकते हैं ये आ गया। अब मैं इसे वापस लेकर जाता हूँ और आई थिंक मैंने, अच्छा यहाँ पर प्रॉपर्टी गलत यूज हो गई है, टेक्स्ट लिखी है तो टेक्स्ट में ये आ गया, मैं इस पर लेफ्ट लिखूंगा, ये देखें शो लेफ्ट। अब लेफ्ट से वापस चले जाते हैं, देखिए हम 1000 माइनस में चले गए। तो ये हमारी लेफ्ट की और विजिबल की प्रॉपर्टी थी, कॉमन प्रॉपर्टीज। ये एक बुलियन प्रॉपर्टी थी, एक इंटीजर प्रॉपर्टी थी। आई होप कि आपको समझ में आई होगी ये। अच्छा, इसके साथ ही बटन का भी बैक कलर हम चेंज कर सकते हैं। बटन के बैक कलर को चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, बैक कलर यहाँ से हम चेंज करेंगे, तो आप यहाँ से प्लेट में जाएं, बहुत से अच्छे कलर हैं, सिस्टम के अपने कलर हैं, प्लेट्स में आएंगे। मैं इसको फॉर एग्जांपल रेड करना चाहता हूँ, तो ये देखें इसका कलर चेंज नहीं हुआ। हमेशा याद रखें जब भी किसी ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी यूज़ करें तो और उस पर काम ना हो, तो डायरेक्टली समझ जाए कि हो सकता है कि इसके साथ दूसरी प्रॉपर्टी भी हो जिसके बाद काम होगा। अब ये डायरेक्टली हम देख रहे हैं इस पर काम नहीं हुआ, तो बटन स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्डली बटन पे काम नहीं होगा, तो स्टाइल पे आ जाए, स्टाइल की प्रॉपर्टी है, कंट्रोल शिफ्ट एस करेंगे आप स्टाइल पे आ जाएंगे, बटन सिलेक्टेड होगा तो आप स्टैंडर्ड की प्रॉपर्टी है, स्टैंडर्ड मोड में ही आप इसको ग्राफिकली मोड में कर लेंगे तो आपके बटन का कलर चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं अब बटन हमारा रेड हो चुका है। ऐसे ही हम दूसरे बटन का आप कलर यूज करें, ये कॉमन प्रॉपर्टी में आ जाता है, आप इसको कोड के जरिए भी कर सकते हैं और कोड के जरिए भी हम इसको करेंगे। मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। अब देखें इसका भी कलर चेंज नहीं हुआ क्योंकि इसकी भी पहले हमने ग्राफिक में कन्वर्ट करना होगा स्टैंडर्ड मोड से। तो देखें हमारे बटन्स के कलर भी चेंज हो रहे हैं, लेफ्ट और राइट मैंने इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इनके स्टैंडर्ड को मैं कर लेता हूँ ग्राफिक मोड और हर इन दोनों के बैक कलर में एक जैसे रख लेता हूँ। इनके बैक कलर रखूंगा लाइट ग्रीन, देखें बैक कलर में यहां से चेंज कर रहा हूं उसका, सिस्टम से नहीं आकर लाइट सियान, और मैं इसको अब एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारा छोटा सा प्रोजेक्ट बहुत ही अट्रैक्टिव लगने लगा है कलर्स के साथ। तो ये था हमारा दूसरा वीडियो आज, आई होप कि आपको कलर ये कॉमन प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। बैक कलर हमने पहले ही पढ़ा था लेकिन आज हमने बैक कलर पढ़ा बटन का, जिसके साथ हमने ग्राफिक की स्टाइल की प्रॉपर्टी पढ़ी और विजिबल था, विजिबल के साथ हमारी लेफ्ट की प्रॉपर्टी थी। आई होप कि आपको समझ में आया गया। इंशाल्लाह हम दूसरे वीडियो में कुछ और प्रॉपर्टीज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए।